उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में आने से पहले अपने चुनावी घोषणा पत्र में शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर कुछ वायदे किए थे, जिसे निभाने की कवायद जारी है। सत्ता पर काबिज होने के बाद योगी सरकार ने धीरे धीरे शिक्षा माफियाओं पर लगाम लगाने का प्रयास शुरू कर दिया है। इसी के तहत शिक्षा के बढ़ते हुए बाजारीकरण और इसमें आने वाले इंसानी दिक्कतों के मद्देनजर योगी सरकार ने अहम फैसला लेते हुए स्कूलों के तरफ से की जाने वाली मनमानी पर सरकारी अंकुश लगाया है। प्रदेश सरकार ने 2018 के नए सत्र से ही विद्यालयों में प्रवेश के संबंध में कड़े कानूनों के तहत शिक्षा माफियाओं को आड़े हाथों लिया है। इस बाबत कानून बन जाने से जहां एक ओर मनमाना रकम की वसूली एडमिशन के नाम पर नहीं हो सकेगी, वहीं दूसरी ओर इससे अभिभावकों को बड़ी राहत मिलने का आसार है। इसी के संबंध में आज मंडलायुक्त अनिल कुमार की अध्यक्षता में पहली बैठक का आयोजन सेंट पॉल स्कूल में किया गया। मंडलायुक्त अनिल कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश से सोवित पोषित स्वतंत्र विद्यालय अध्यादेश 9 अप्रैल 2018 से प्रख्यापित किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि इस अध्यादेश में उत्तर प्रदेश वैश्विक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, इंटरनेशनल बैकलॉरेट और इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन या सरकार द्वारा समय समय पर परिभाषित किन्हीं अन्य परिषदों द्वारा मान्यता संबद्धता प्राप्त समस्त स्वपोषित विद्यालयों पर लागू है, जिनके किसी छात्र के कुल संभावित सदैव शुल्क 20,000 से अधिक हो। यह अध्यादेश स्वतंत्र पूर्व माध्यमिक विद्यालय को छोड़कर प्रत्येक बोर्ड द्वारा सभी मान्यता संबद्धता प्राप्त विद्यालयों पर निर्गत होने की तिथि से प्रभावी हो चुका है। इस दौरान संयुक्त शिक्षा निदेशक योगेंद्र नाथ सिंह ने सभी को उत्तर प्रदेश सोवित पोषित स्वतंत्र विद्यालय अध्यादेश 2018 के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि मंडलायुक्त की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जा चुका है, जिसमें मंडलायुक्त अध्यक्ष अभिषेक गुप्ता सीए, विनोद कुमार श्रीवास्तव अधीक्षण अभियंता, PMGSY वृंद, महेंद्र कुमार मिश्रा मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी गोरखपुर विकास प्राधिकरण, अयोध्या प्रसाद अध्यक्ष अभिभावक संघ MP इंटर कॉलेज, अजय शाही प्रबंधक RPM एकेडमी इसके सदस्य हैं तथा मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक सदस्य सचिव हैं। इस दौरान विभिन्न विद्यालयों के प्रबंधकों प्रधानाचार्यों के द्वारा उठाए सवालों का उत्तर संयुक्त शिक्षा निदेशक द्वारा दिया गया। मतलब मैक्सिमम 10% की ग्रोथ हम कर सकते हैं। वर्तमान में जो इंडेक्स के आधार पर निकल करके आ रहा है उसमें यह है कि 9.4% की दर से 9.4% की दर से हम ग्रोथ कर सकते हैं। इस बात को सबको समझना पड़ेगा कि जो 15-16 में मान लीजिए कहीं फीस जो है हमारी 100 रुपये थी और उसमें हमने कोई ग्रोथ कर दी, पहले ही हमने अगर 120 कर दिया है तो वो 120 एडजस्ट होगा 9.4 के रेशियो के अनुपात में। ऐसा नहीं होगा कि 120 तो हमने पहले कर दी और अब 9.4 से हम कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। 15-16 को आधार पास मानते हुए आपको उसकी ग्रोथ करनी है। ये फीस का जो एक फार्मूला दिया गया है इसको आप सभी को समझना है, अच्छी तरह से समझ करके उसको आपको लागू करना है। तो दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, इसमें यह दिया गया है कि 30 दिन के ऑर्डिनेंस के निर्गत होने के 30 दिन के अंदर आपको अपने फीस का एक ब्यौरा आपको अपनी वेबसाइट पर देना है। आप अपनी वेबसाइट पर देंगे, साथ ही उसको अपने ब्लैक बोर्ड पर अपन जो भी आपका बोर्ड है जो सूचना पट है वो सूचना पट पर भी आप चस्पा करेंगे। प्रवेश के समय किसी बच्चे को उस पूरे शुल्क से आप अवगत कराएंगे कि शुल्क क्या लिया जाना है, कैसे लिया जाना है और आगे अगर उसमें कोई वृद्धि होनी है तो उससे भी आपको अवगत कराएंगे। अन्यथा आप अपने मन से कोई भी शुल्क बीच में या ऐसे तैसे नहीं बढ़ा सकते। किताबों के विषय में स्पष्ट किया गया है कि किताबें और कापियां किसी बच्चे को किसी दुकान विशेष से या पर्टिकुलर स्थान विशेष से खरीदने के लिए आप बात नहीं करेंगे। कि ड्रेस जो विद्यालय में लागू है वो ड्रेस चलेगा, आप 5 साल के पहले कोई ड्रेस इसमें बदल नहीं सकते। फीस के विषय में आगे और व्यवस्थाएं दी गई, आगे ये बात कही गई है कि फीस अगर कहीं अपरिहार्यता कोई बनती है कि हम उसमें एक
जो स्लैब दिया गया है इससे अधिक की वृद्धि करना चाहते हैं तो वो मंडलीय समिति के समूह लाया जाएगा और मंडलीय समिति से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरांत आप उसकी वृद्धि कर सकते हैं। आगे ये बात और भी कही गई है कि ये जो ग्रोथ होगी उसमें कभी ऐसा होता है कि लोगों का वेतन आयोग बनता है और उस वेतन आयोग के आधार पर अगर कोई वृद्धि करने की बात है तो वो भी मंडली समूह के संज्ञान में ला करके की जा सकती है, मंडली समूह से अनुमोदन होने के उपरांत। इस प्रकार जो मंडली समिति गठित की गई है सात सदस्यीय मंडली समिति जो गठित की गई है आप इसमें पढ़ेंगे उसमें उसके अध्यक्ष मंडल के आयुक्त महोदय हैं, उसके सेक्रेटरी ज्वाइंट डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन है और पांच अन्य और उन्हें क्या परिचित है उसमें 20 लोगों की बात को आप लोगों को इस पर मैं दोहरा रहा था सर। मैंने ये बताया कि सत्र राजस्थान था और सरकार के सामने बहुत सारी शिकायतें हुआ करती थी जिसके कारण पब्लिक इंटरेस्ट और छात्रों के हित को दृष्टिगत करते हुए ही सरकार ने ये निर्णय लिया है। आप सभी को अपनी वेबसाइट पर जो उनका स्कूल का विवरण है उससे लोगों को अवगत कराना है, वेबसाइट पर उसको प्रदर्शित कर देना है और जबकि आज 30 दिन पूरे होने जा रहे हैं तो हमें उम्मीद है कि अध्यादेश का अध्ययन करके बहुत सारे विद्यालयों में सर अपने शुल्क को रेगुलेट करते हुए जो नियम एवं लाभ दिए गए हैं, जो कानून बनाया गया है उसके अनुसार निर्धारित करते हुए और आधार पर 15-16 को मानते हुए इन लोगों ने प्रदर्शित कर दिया होगा अपनी वेबसाइट पर। और अगर कोई विद्यालय नहीं कर पाए हैं या अभी जो भी विद्यालय वंचित हैं वो सभी आज के बाद जाकर के अपने शुल्क का निर्धारण करके उसको अपनी वेबसाइट पर शो कर देंगे, प्रदर्शित कर देंगे और अपने विद्यालय का जो सूचना पट है उस पर भी देंगे। जिन बच्चों का प्रवेश आप लेंगे उनके जो शुल्क वगैरह हैं उनका निर्धारण करते समय ये ध्यान आप शुल्क उनको बच्चों को जो प्रवेश शुल्क होता है इसमें शुल्क की बात आगे जो की गई है थोड़ा सा सर उसके विषय में पढ़ करके भी बता देना चाहेंगे तो ये पारदर्शी और उत्तरदायी होगी। प्रभारित किए जाने वाले शुल्क का वर्गीकरण निम्नानुसार किया जाएगा। संभावित शुल्क संगठन जिसे इंग्लिश में पासबुक फी कंपोनेंट्स कहा गया है इसी प्रकार आगे दिया गया है। इसमें कुछ चीजें दी गई हैं, कुछ बातें दी गई हैं। विद्यालय निर्मित शुल्क संगठनों में से एक या समस्त संगठन समुच्चय को निर्धारित कर सकता है। विवरण पुस्तिका एवं रजिस्ट्रीकरण शुल्क यह केवल छात्र द्वारा रजिस्ट्रीकरण के समय संदेह होगा। प्रवेश शुल्क विद्यालय में नवीन प्रवेश के समय प्रथम बार प्रवेश शुल्क केवल एक बार देना है ये आप लोग ध्यान देंगे। परीक्षा शुल्क परीक्षाओं के लिए संदेह होगा। संयुक्त वार्षिक शुल्क प्रति वर्ष संदेह एकल शिक्षक वार्षिक आवर्ती शुल्क परंतु इस अध्यादेश के प्रारंभ होने पर विभिन्न शिक्षकों के अधीन आवर्ती शुल्क प्रभावित किए जाने की बात कही गई है। इसको कंपोजिट एनुअल फीस के नाम से इंग्लिश में कहा गया है कि सिंगल हेड एनुअल रिकरिंग फीस पेबल ईच ईयर प्रोवाइडेड दैट अपॉन कमिटमेंट ऑफ ऑर्डिनेंस एनी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल चेंजिंग रिकरिंग अंडर डिफरेंट हेड्स सर फ्रॉम द इंसुइंग एकेडमिक ईयर द रिक्वायर्ड टू क्लब ऑल सच हेड्स इन ए सिंगल हेड रिकरिंग फी एज प्रोवाइडेड। का उल्लेख है जिसमें परिवहन ट्रांसपोर्टेशन बोर्डिंग मेस या डाइनिंग शैक्षिक भ्रमण इसमें और कोई समान क्रियाकलाप अगर कोई एक्टिविटीज करते हैं उसके लिए है। प्रतिदेय प्रभाव ये 3 नंबर पर है एक कर में है प्रतिभूति धनराशि जो आप बच्चों से लेते हैं जो डिपेंडेंट होती है ये धनराशि आप बच्चों को वापस करनी होगी। प्रत्येक मान्यता प्राप्त विद्यालय प्रमुख प्रदेश शैक्षिक सरकार होने के पूर्व समुचित प्राधिकारी को आगामी शैक्षणिक वर्ष के दौरान ऐसे विद्यालय द्वारा उद्धृत किए जाने वाले शुल्क का पूर्ण विवरण प्रस्तुत करेगा। सभी प्रकार के शुल्क का विवरण आपको देना है। ऐसा विद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष
प्रवेश प्रारंभ होने के 7 दिन पूर्व किंतु आगामी शैक्षणिक वर्ष प्रारंभ होने के 7 दिन के अवसर होने पहले अपनी वेबसाइट पर शुल्क का विवरण अपलोड करेगा। उनको